असलकम क्या लड़कियां आर्मी में जा सकती हैं तो जी हाँ बिल्कुल बड़ा इजी तरीका है आप आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं इसके लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है और कौन कौन सा रैंक मिलता है सैलरी कितनी होती है हाइट मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है एज कितनी होनी चाहिए ट्रेनिंग का दौरानिया कितना है और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी दी जाएगी और ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं हूँ आपका होस्ट वक्का असगर सबसे पहले बात कर ले तो मैं यहाँ पर सिर्फ आर्मी की बात करूँगा और गर्ल्स की बात करूँगा अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ या जैसे भी तो आप आर्मी में कहीं भी नहीं जा सकती अब दूसरी बात अगर आपने मैट्रिक साइंस में किया हुआ है मैं सिर्फ यहाँ पर आर्मी की बात करूँगा और उसके बाद इंटरमीडिएट आपने मेडिकल किया यानी कि बायो बायोलॉजी के साथ एफएससी मेडिकल की तो आप नर्सिंग में जा सकती हैं नर्सिंग में उसके बाद आपको चार साल का कोर्स करवाया जाएगा अगर आपने फर्स्ट ईयर के पेपर भी दे दिए हैं तो आप होप सर्टिफिकेट पे आप सेकंड ईयर की होप सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अब ये इसके लिए क्या होना चाहिए अब मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ कि नर्सिंग होती क्या है आपकी जो हाइट है वो फाइव फीट होनी चाहिए और उसके बाद जो आपकी एज है वो 17 टू 25 इयर्स यानी कि 17 साल से 25 साल के दरम्यान दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए और मैट्रिक में आपके साठ परसेंट नंबर होने चाहिए और इंटरमीडिएट में यानी कि एफएससी में आपके पचास परसेंट नंबर होने चाहिए मिनिमम इसके बाद आप नर्सिंग में अप्लाई करती हो अगर पास हो जाती हो तो फिर आपकी चार साल की ट्रेनिंग होगी चार साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको छब्बीस हज़ार पे मिलेगी अब ये ट्रेनिंग कहाँ पर होगी ये ट्रेनिंग होगी रावलपिंडी में सी एम एच लाहौर सी एम एच खारियाँ सी एम एच मुल्तान सी एम एच कोयटा और कराची वगैरह यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी और उसके बाद आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन जाएंगी ये हो गया आपके इंटरमीडिएट की बेस पर आपको जो आर्मी में रैंक मिलेगा लेफ्टिनेंट का और वो भी नर्सिंग में ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है और इसकी मैं प्रिपरेशन भी करवाऊंगा उसके बाद आ जाता है अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है बी एस सी किया, किया हुआ या बी किया हुआ तो किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ तो हर सब्जेक्ट की एज अ कैप्टन डायरेक्ट भर्ती होने की भी आती है पोस्ट इसके हवाले से कंप्लीट डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में मैंने आपको बताया सिर्फ नर्सिंग का जो है आप इंटरमीडिएट के बेस पर आ दे सकती हैं अब मुझसे ये कोई क्वेश्चन ना करें कि मैंने सर एफ मेडिकल नहीं की मैंने इंजीनियरिंग की है या मैंने आई सी एस किया है या मैंने कुछ किया तो आप सिर्फ मेडिकल वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो जा सकते हैं अदरवाइज़ आर्मी में इंटरमीडिएट तक और कोई जॉब नहीं होती इसके बाद इसको भी बी एस सी नर्सिंग ही कहते हैं इसको ए एफ एन एस भी कहते हैं हैं आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस तो ये था बाकी जो है ग्रेजुएशन का पार्ट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज